सीएससी के माध्यम से प्रति माह 3,000 रुपये तक कमाई करने वाली डिवाइस हमारे पास आ चुकी है दोस्तों। उस डिवाइस का नाम है सीएससी ई विज्ञापन। बेसिकली दोस्तों हमें इसमें करना क्या है, इस डिवाइस को पहले हमें सीएससी के माध्यम से परचेज करना है, साथ ही दोस्तों एक एलईडी टीवी भी हमें परचेज करना है और अपने सीएससी सेंटर में इसे लगा देना है। बस विज्ञापन चलती रहेगी, जिसके बदले में दोस्तों हमें सीएससी के माध्यम से कुछ कमाई करने का जरिया प्राप्त होगा। एक विज्ञापन में दोस्तों 500 रुपये तक हमें प्राप्त होगा हर महीने। इसी प्रकार से दोस्तों जितनी भी विज्ञापन आएगी एक से लेकर 6 तक, तो आप पर विज्ञापन का 500 रुपये चार्ज आपको मिलेगा सीएससी के माध्यम से। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में हमारे झारखंड में 2 विज्ञापन से चालू होने वाली है ई विज्ञापन की सर्विस। इसमें दोस्तों कॉस्ट की लागत की बात करें हम, तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें सीएससी ई विज्ञापन का इस डिवाइस को परचेज करना होगा, जिसका मूल्य दोस्तों लगभग 4,000 रुपये है। साथ ही दोस्तों 40 इंच से ऊपर का आपको एलईडी टीवी लेना होगा, जिसका मूल्य 14,500 से स्टार्ट हो जाता है सीएससी ई ग्रामीण में 40 या 43 इंच का, तो दोस्तों उस एलईडी टीवी को भी आपको लेना होगा। साथ ही दोस्तों इसमें हमें जो मिल जाता है इस सीएससी ई विज्ञापन के डिवाइस बॉक्स के अंदर, सबसे पहले तो हमें सीएससी ई विज्ञापन का डिवाइस मिल जाता है, साथ ही दोस्तों चार्जर मिल जाता है, उसके साथ ही दोस्तों चार्जर का एक अडेप्टर मिलता है, यूएसबी अडेप्टर वो मिल जाता है, साथ ही एचडीएमआई केबल मिलता है हमें एलईडी टीवी से कनेक्ट करने के लिए, और एक रिमोट भी हमें प्राप्त हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट रहता है उसमें हमें करना क्या है, अपने सीएससी सेंटर में एलईडी टीवी को लगा देना है, साथ ही इस डिवाइस को उससे कनेक्ट करके स्टार्ट कर देना है। कम से कम दोस्तों दिन भर में आपको 8 से 10 घंटे आपको चालू करके उस एलईडी टीवी को रखना होगा। और दोस्तों जितना भी विज्ञापन आएगा, मतलब अगर दोस्तों एक विज्ञापन आता है तो 500 रुपये मिलेगा, 2 विज्ञापन आता है तो 1,000 रुपया, इसी प्रकार से दोस्तों अगर 6 विज्ञापन आता है तो आपको 3,000 रुपया प्रति माह तक मिल सकता है। तो दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, तो लगभग 20,000 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट आपको करना हो सकता है। अगर दोस्तों आप भी इस प्रकार की डिवाइस परचेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले सीएससी ग्रामीण ई स्टोर को आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा, और जैसे ही बाय नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीएससी ई विज्ञापन का ऑप्शन नज़र आएगा, वहाँ से आप इसे बुक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले आप बुक करने से पहले अपने डीएम सर से बात कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों लगभग डिस्ट्रिक्ट का कोटा जो था वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट का अभी भी कोटा लगभग बचा हुआ है, तो ये आप बात कर लेंगे, उसके बाद ही इस डिवाइस को दोस्तों आप बुक करेंगे, वरना इसे आप बुक नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं तो पहले आप डीएम सर से बात कर लेंगे, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट का अगर कोटा फुल हो गया होगा तो दोस्तों जिस डिस्ट्रिक्ट में बचा हुआ होगा तो उस कोटे को इसमें कंप्लीट किया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप, अगर आपको लगता है कि 20,000 रुपये लगा के हम 1,000-2,000 रुपये तक का अगर मंथली इनकम इस प्रकार की सर्विस से कमा सकते हैं, तो आप इसके लिए आप बुक कर सकते हैं, वरना दोस्तों अपनी जैसा भी आपको लगे उस तरह से आप इस सर्विस को ले सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों किस प्रकार से हमें इस डिवाइस को एलईडी से कनेक्ट करना है और किस प्रकार का ऐड हमारे एलईडी टीवी में अभी आ रहा है। तो दोस्तों अभी 2 विज्ञापन आने की उम्मीद है, पहला है टेलीलो का और दूसरा है एनपीएस का। ये 2 विज्ञापन झारखंड में अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मतलब 1,000 रुपया मिनिमम मंथली अभी हमारे सीएससी वीएलई को स्टार्ट हो जाएगा अगर वो इस प्रकार की डिवाइस परचेज कर लेते हैं और अपने सीएससी सेंटर में स्टार्ट कर देते हैं। तो आने वाले समय में उन्हें पर मंथ अभी फ़िलहाल 1,000 रुपये से शुरू हो सकता है। इस सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।